वेलकम टू एलसीसी एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। एनर्जी का मतलब क्या होगा? वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होती है, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलेंगे, और दोनों की यूनिट भी सेम है, जूल। तो हम यहाँ से ही हम जूल, इन दोनों की यूनिट सेम है, हम वर्क डन निकालेंगे, फिर वही अपनी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। चलो अब हम देखते हैं ये होती क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम मान लेते हैं, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की रेडियस हम मान लेते हैं आर, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आने के लिए जो वर्कडन करना पड़ता है, उसी वर्कडन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इस इंफिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आने के लिए जो वर्कडन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात? मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, और यहाँ पे अब हमको वर्कडन निकालना है। वर्कडन का फॉर्मूला क्या था? इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं डी एक्स लिख रही हूँ, और वर्कडन भी डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, वो पूरा वर्कडन एकदम से हम नहीं निकाल सकते, कुछ एरर्स आ जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ से हम इतने पार्ट का वर्कडन निकाल रहे हैं, इतने पार्ट की दूरी को हम बोल देते हैं डी एक्स, और इसके वर्कडन को हम बोल देते हैं डी डब्ल्यू। इतने पार्ट का वर्कडन हमने ये निकाल दिया, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये दूरी हम आर नहीं मान रहे, ये दूरी हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर टू के टू को वन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स, फोर्स मतलब जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारा वर्कडन निकला है सिर्फ डी एक्स पार्ट का। अब हमको वर्कडन निकालना है यहां से लेके यहां तक पूरे का वर्कडन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो मतलब यहाँ पे इतने इतने वर्कडन को जोड़ के हम पूरे का वर्कडन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, कहां से कहां करेंगे इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हम इनफिनिटी से कहां पे ला रहे हैं? आर ग्रेविटी, आर रेडियस ही ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं, तो इनफिनिटी से आर तक करेंगे। देखो यहां पे डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? इनफिनिटी से आर तक होगा, इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? इनफिनिटी से आर तक होगा। अभी देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू। यहां से देखो अपने जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, उनको हम बाहर ले लेते हैं, जैसे जी एम और एम, ये अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन होगा वन बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी से आर तक। इतनी चीज क्लियर है? अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का, जैसे आपको यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस एक्स की पावर एन है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होता है किसी की और भी इंटीग्रेशन करना, उसकी पावर में एक एड कर देना, डिवाइड में वही टर्म आ जाएगी प्लस सी, ये इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे सी वाले टर्म अभी यहाँ पे यूज नहीं है, मैथ में यूज होता है तब यूज करनी होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले देखो W इज इक्वल टू जी एम एम, अब यहाँ पे वन बाय एक्स स्केयर है, अब ये वन बाय एक्स स्केयर ऊपर आएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस टू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r तक x की पावर माइनस टू डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, W इज इक्वल टू जी एम एम, अब यहाँ पे x की पावर माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर एड हो जाएगी, x की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी से r तक। यहाँ पे अभी हमको ये लिमिट पुट करनी है, तो अभी लिमिट पुट करेंगे W इज इक्वल टू जी एम एम, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा?
x की पावर माइनस वन, और x की पावर अगर ऊपर माइनस वन है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी, वन बाय x की पावर वन हो जाएगी, वन हम लिखने की जरूरत नहीं होती हमको, तो यहाँ पे और ये डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन, डिवाइड बाय वन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये माइनस आ जाएगा आगे, आपकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, इंफिनिटी से आर तक। और हम लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट हम पुट करते हैं एक बार इसकी जगह अपर वाली लिमिट पुट करना, फिर माइनस इसकी जगह लोअर वाली लिमिट पुट करना, देखो माइनस जी एन एम, एक बार एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम आर, माइनस फिर एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे इनफिनिटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम वन बाय आर, वन बाय इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है वन बाय जीरो, अभी वन बाय जीरो जीरो पर आएगा तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो, वन बाय इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ पे जो अपना वर्कडन है, और वर्कडन ही मैंने स्टार्टिंग में क्या होता है एनर्जी के इक्वल होता है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो अब यहाँ पे वर्कडन ही किसके इक्वल होगा एनर्जी के इक्वल, और ये एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, और एनर्जी क्या होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल आई है माइनस जी एम एम बाय आर, ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ओके थैंक यू।